जय हिंद, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। पीएमओ और रेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की लगभग सभी बातें मान ली गई हैं। चाहे एनटीपीसी का फिर से रिजल्ट जारी करने की बात हो या फिर ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया एक ही एग्जाम से लेने की बात हो, इन सभी मुद्दों पे माननीय रेल मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बात की और अपना पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन सभी मुद्दों पे एक स्पेशल कमिटी बनाई गई है जो 3 वीक में अपना रिपोर्ट सौंप देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिड फरवरी में ये रिपोर्ट मिलने के बाद ये दोनों जो मुख्य डिमांड है, एनटीपीसी का रिजल्ट पुनः जारी करने का और साथ ही साथ सीबीटी 1 के माध्यम से ही ग्रुप डी का एग्जाम प्रक्रिया पूरा करवाने का, इन सभी मुद्दों को क्लियर कर लिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से ये विशेष निवेदन है कि आप लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्टडी जारी रखें, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन आंदोलन में भाग ना ले, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि देश की जितनी भी संपत्ति है, रेल की संपत्ति, वो हम सब की संपत्ति है और इसका सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। किसी के बहकावे में ना आए और कोई प्रदर्शन ना करे। तो साथियों, लास्ट में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर पे बने रहे, सुरक्षित रहे, स्टडी जारी रखें, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रदर्शन आंदोलन में भाग न ले, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।